हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे येस बैंक के बारे में। इस पर कुछ न्यूज हैं और कुछ अकमुलेशंस जो हो रहे हैं लोअर लेवल पे, उसकी हम बात करेंगे। न्यूज काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी ग्रोथ दिखाई देती है फ्यूचर में। तो क्या न्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। एक न्यूज नहीं है, दो न्यूज नहीं है, काफ़ी न्यूज हैं इसके ऊपर, और अकमुलेशन कैसे हो रहा है वो भी हम देखेंगे लोअर लेवल्स के ऊपर। और सेकेंडली इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं अभी करंट मार्केट में। अब देख पा रहे हैं 17 रुपये 65 पैसे पे काम कर रहा है, 0.28% ऊपर है। आज का जो लो इसने बनाया था 17 रुपये 30 पैसे के आसपास का लो बनाया है इसने। प्रीवियस जो था 17.60 था, 17.30 का लो बनाया, ओपन 17.90 पे हुआ है। हाई जो है 18 रुपये के आसपास गया, अभी काम कर रहा है 17 रुपये 60 पैसे, फ्लैट है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इसे 17 रुपये 65 पैसे 0.28। अभी अगर इसके बिड और प्राइस को अगर देखेंगे, ये लाइव मार्केट में है, तो आप देखेंगे जो इसका बिड प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ 97 लाख के आसपास की दिखाई दे रही हैं, और जो ऑफर हैं 2 करोड़ 68 लाख के आसपास दिखाई दे रही हैं। और इसे आप ऑब्जर्व करेंगे पिछले कुछ दिन से तो आपको दिखाई देगा बिड हमेशा ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। जो खरीदने वाले हैं वो इस लेवल पे खरीदने को तैयार हैं, बेचने वाले इस लेवल पे बेचने को तैयार हैं, बट बेचने वाले कम क्वांटिटी नज़र आती है, जो खरीदने वालों की क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। आप देख सकते हैं 2 करोड़ 96 लाख लोग जो शेयर्स हैं खरीदने को तैयार हैं, और जो बेचने वाले हैं वो 2 करोड़ 68 लाख के आसपास के शेयर्स बनते हैं। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले कुछ दिन से यही ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो जितना भी शेयर नीचे जाता है उसके बाद एक अच्छा अकमुलेशन उसके अंदर नज़र आता है। अभी इसका अगर आप 10 मिनट का चार्ट भी देखेंगे, और उसके साथ में इसका वॉल्यूम लगाता हूँ, साथ में वॉल्यूम चार्ट देखेंगे तो जैसे ही शेयर नीचे जाता है तो एक अकमुलेशन, अच्छा अकमुलेशन इसके अंदर नज़र आता है। तो देखिए यहाँ 24 तारीख का चार्ट है, कितनी अच्छी कैंडल इसके अंदर बनी है, और उसके बाद जैसे शेयर नीचे आता है यहाँ पर अच्छा अकोमोडेशन आपको दिखाई देता है 27 लाख शेयर्स का, देन 30 लाख शेयर्स, यहाँ पर देखिए 40 लाख शेयर्स के आसपास का यहाँ का अकोमोडेशन है। जैसे शेयर नीचे आता है एक लेवल पर एक अच्छा अकोमोडेशन हो रहा है, तो आने वाले टाइम में यह अकोमोडेशन जो होता है ये एक कंसोलिडेट करता है एक शेयर को। अच्छे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इन लेवल्स के ऊपर जब शेयर रेंज में आता है, एक अपने स्पोर्ट जोन में आता है, वहाँ पर अकोमोडेट करते हैं, और लंबे टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी भी शेयर के लिए उसका एक बेस बनना। अब हम शेयर की बात करते हैं, क्या न्यूज है इसके ऊपर। आप देखिए ये 24 तारीख की न्यूज़ है, 5:40 AM 24 दिसंबर। वी बिलीव कैन रिकवर 50% ऑफ ₹40,000 करोड़ लोन बैड लोन्स। प्रशांत कुमार MD एंड CEO येस बैंक, उनका कहना है कि हम जो 40,000 के आसपास के जो बैड लोन्स हैं 50% हम इसके अंदर से रिकवर कर सकते हैं। इनसे जब पूछा गया 9 मंथ आफ्टर द मोराटोरियम वाज इम्पोज कैन यू से द येस बैंक टर्न अराउंड स्टोरी इज कम्प्लीट। क्वेश्चन देखिए आप, द मोराटोरियम वाज इम्पोज ऑन March 5th एंड आई ज्वाइन द नेक्स्ट डे। एट दैट पॉइंट द एक्सपेक्टेशन वाज डैट द बैंक वुड बी मर्ज्ड विद SBI। कस्टमर्स लैक्ड कॉन्फिडेंस एंड इट रिफ्लेक्टेड इन डिपॉजिट आउटफ्लोज। In September 2019, deposits stood at 21.1 lakh crore and those came down to 1.05 lakh crore in March 20. आप देख सकते हैं deposits कितने down आ गए थे within 6 month. The MD bank CD ratio was at 166% at that time and it was not able to raise substantial capital. ये बता रहे हैं कि bank जिस time इन्होंने संभाला था उस time काफ़ी बुरे हालत में था, और ये SBI का जो 49% स्टेक है इसके अंदर, और ये मानते हैं कि SBI में कोई भी वहाँ का ऑफिसर है वो इसको संभालने अच्छी तरह संभाल सकता है। तो बैंक हैज रेज्ड 1930 करोड़ थ्रो किया इन अगस्त 2019। टू रीबिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स इट वॉज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू रिकोगनाइज द प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो बी ट्रांसपेरेंट अबाउट दैम। इफ यू डोंट रिकोगनाइज द प्रॉब्लम देयर कैन बी नो सोल्यूशन। तो इनका इजिली मानना है कि ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है अगर आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना है तो। और ये जो मैनेजमेंट है बिल्कुल मीडिया में आके अपने आगे के जो भी प्लान्स हैं वो सामने रखती है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट जो है मैनेजमेंट नज़र आती है, अपने जो फोकस हैं इनके जो प्लान्स हैं वो क्लियरली ये बताते हैं। What was critical for the turnaround of the bank? After 12 days, the bank came out of the moratorium and I was clear that communicating with customer and employees would be the key. Every day I was talking to the customer and our employees. The bank announced
the December 2019 result on March 14 and we provided 73% of our GNPA. तो देख सकते हैं 73% के GNPA थे मार्च 14 में. Three things were very critical for the turnaround. First, the quality of human resource. Second, customer engagement and services. Third, the digital and technology capabilities. अब ये एक एक जो प्लान है, ये तीन जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहे हैं. कैसे कस्टमर्स को इंगेज करना है और कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर काम करना है, और तीसरा बैंक की टेक्नोलॉजी और डिजिटल को कैसे आगे लेके जाना है. द इंटायर पेमेंट सिस्टम ऑफ द कंट्री वाज पैरालाइज ड्यूरिंग द मोरेटोरियम एंड सेम प्लेयर्स डिड मूव टू द अदर बैंक्स. आप देख सकते हैं, हाउएवर व्हेन द मोरेटोरियम वाज लिफ्टेड मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स केम बैक टू अस विद द फीडबैक दैट अदर बैंक्स कुड नॉट हैंडल द ट्रैफिक. What about the bank's ability to cover credit cost? The most critical aspect of any bank is its machinery to generate the operating profit. Despite the COVID-19 situation, the bank could generate operating profit which was used to provide for credit cost, showing a profit within quarter 1, quarter 2. ये दिखा रहे हैं कि quarter 1, quarter 2 में जो operating profits आए हैं, वो बैंक की एक किसी भी बैंक के लिए बहुत ज़्यादा सबसे जरूरी चीज़ वही होती है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं, और इन्होंने वो क्वार्टर वन क्वार्टर टू में दिखाए हैं. वी ऑलरेडी हैव 75% प्रोविजंस फॉर एनपीए बट कोविड 19 हैज सेपरेट इंपैक्ट फॉर लोन बुक्स. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड रिकवरीज वुड बी सफिशियंट टू प्रोवाइड द क्रेडिट कॉस्ट एंड वी वुड नॉट नीड टू कंज्यूम कैपिटल. आप देख सकते हैं क्लियरली काफ़ी कैपिटल अब इनके पास है और उसको ये कंज्यूम कर सकते हैं. और सेकेंडली, लोन बुक्स के ऊपर कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं है. जो एनपीए प्रोविजंस किए गए हैं वो बिल्कुल सेपरेट किए गए हैं, कोविड 19 के भी इनको सेपरेट प्रोविजंस कर लिए हैं इन्होंने. आगे है, वी आर हाउ आर यू प्लानिंग टू चेंज रिकवरीज एंड डेट टू इन द टाइम्स लाइक दिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. वी क्रिएटेड ए सेपरेट वर्टिकल विद इन द बैंक फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स. दिस टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिकवरी एंड रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स. We have a wonderful team of 75 people and we are engaging with customers every week. आप देख सकते हैं कि 75 लोगों की एक टीम बनाई गई है जिनका काम ही है सिर्फ रिकवरी करना और एसेट्स को अच्छे से मैनेज करना. The boards review it every month. While this is against nobody, but since it is a public money, I need to recover it. I have recovered rupees 1000 crore in the first two quarters and for this year we target is to recover 5000 crore. आप देख सकते हैं 5000 crore का टारगेट है, 1000 crore ऑलरेडी ये रिकवर कर चुके हैं. जो 75 लोगों की टीम बनाई गई है, इनको मंथली रिव्यू भी किया जाता है. ईच अमाउंट नीड्स ए डिफरेंट स्ट्रेटेजी एंड जेन्युइन कस्टमर नीड टू बी सपोर्टेड. वी बिलीव वी कैन रिकवर 50% ऑफ 40000 crore ऑफ बैड लोन्स. जो पहले बैड लोन डिक्लेयर किए गए थे, जो कि GNPA आया था 73%, आप देख सकते हैं यहाँ पर GNPA जो 73% था, तो उसका ये बता रहे हैं कि हम इसमें से रिकवर कर सकते हैं अराउंड 20,000, 50% of 40,000. But about bank's financial after taking a hit upfront after you took over. If you see, our operating profit is back to last year's level and we are firmly on track to grow the business and generate profit. आप clearly देख सकते हैं बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स सही होने लग गए हैं पिछले दो क्वार्टर्स में और पिछले साल के लेवल पे आने वाले हैं. वाइल वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनपीए ड्यू टू कोविड 19, वी आर मेकिंग प्रोविजंस. वी हैव मेड प्रोविजंस ऑफ रुपीज 2000 करोड़ बट मोर विल बी रिक्वायर्ड. आप देख सकते हैं क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में भी ये बता रहे हैं कि प्रॉफिट्स जो है पॉजिटिव ही आएंगे, विच विल मीट आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न्ड इन क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर. ये क्लियरली दिखा रहा है कि क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो पॉजिटिव आने वाले हैं. होपफुली दिस प्लस रिकवरीज विल बी इनफ टू मीट आवर नीड्स. क्लियर है बैंक का जो इंटेंशंस हैं, रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल फोकस हैं. व्हाट अबाउट योर कैपिटल रेशियोज? एट प्रेजेंट आवर सीईटी रेशियो इज 13.4 एंड ओवरऑल कैपिटल इज एट 20%. इन वर्स्ट केस सिनेरियो 1 to 1.5 और कैपिटल मे बी नीडेड टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेस. इवन देन आवर कैपिटल विल बी एट 12%. फॉर एनी बैंक इट इज इम्पोर्टेंट टू जनरेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच कैन टेक केयर ऑफ दी एनी सरप्राइज ऑन लोन बुक. ऑलरेडी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स स्टार्ट कर दिए हैं जो किसी बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. वाइल इट जस्ट बैंक स्ट्रेटेजी गोइंग टू बी वंस इट पुट इट्स प्रॉब्लम बिहाइंड. कहाँ देखते हैं जेस बैंक को? आप क्लियरली देख सकते हैं इसके अंदर इनका कहना है जेस बैंक विल फोकस ऑन रिटेल. व्हेन वी सेल मोर फोकस ऑन रिटेल, इट डज नॉट मीन दैट वी विल नॉट फोकस ऑन कॉर्पोरेट. अर्लियर कॉर्पोरेट वाज 56 एंड रिटेल वाज 44. आवर स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द मिक्स ऑफ रिटेल MSME टू 60% ओवर द मीडियम टर्म.
बैंक का जो रिटेल पर फोकस करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्लियरली आप देख सकते हैं जो इंटरव्यू आज का है, और काफ़ी क्लियरली इन्होंने चीज़ें बताई हैं कहाँ बैंक था, कहाँ पर बैंक पहुँच रहा है और कहाँ पर बैंक को पहुँचना है। पिछले साल के जो रिजल्ट्स हैं उनसे ये मैच करने की ट्राई कर रहे हैं। दो जो क्वार्टर हैं उनके प्रॉफिट्स अच्छे आए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, और आगे भी ये बता रहे हैं काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। रिटेल जो लोन्स हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और काफ़ी अच्छा फोकस ये कर रहे हैं जो रिकवरीज कर रहे हैं। सेकेंड है जैस सिक्योरिटीज एलिवेट्स प्रशांत प्रभाकरण एज MD एंड CEO। आप देख सकते हैं इनका दूसरा वर्टिकल है, उसके ऊपर भी ये काफ़ी फोकस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये बता रहे हैं कि इसका काफ़ी फोकस हो सकता है, इसलिए इनको प्रमोट किया गया है ताकि इनके जो कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, इनके ग्रोथ जो है जेस सिक्योरिटीज की, वो भी अच्छी हो सके। ये इसकी एक सब्सिडरी है, जेस सिक्योरिटी दी होली ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सब्सिडरी ऑफ जेस बैंक। आप देख सकते हैं सब्सिडरी ऑफ जेस बैंक है, इस पर भी फोकस है कि यहाँ से भी अच्छे रिवेन्यूज और प्रॉफिट्स कमाए जा सकें। अनाउंस द एलिवेशन ऑफ प्रशांत प्रभाकरण एज द MD एंड CEO ऑफ जेस सिक्योरिटीज विद इमीडिएट इफेक्ट। आप देख सकते हैं जेस बैंक दी होली ओन सब्सिडरी है ये, तो यहाँ से भी आप क्लियरली देख सकते हैं जो प्रशांत कुमार MD एंड CEO जेस बैंक का कहना है, कमेंटिंग ऑफ द डेवलपमेंट जेस सिक्योरिटी सेट एज ए सीजनल लीडर इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, ही हैज डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल एबिलिटी टू एक्सेस मार्केट डायनामिक्स, मैनेज रिस्क एंड ड्राइव रिसोर्स, दीज आई बिलीव द क्रिटिकल टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग फॉरगोइंग मेजर क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में जेस सिक्योरिटीज विल कंटिन्यू बिल्डिंग ऑन द मोमेंटम टू स्केल अप एंड एक्सेलरेट बिजनेस ग्रोथ। आने वाला टाइम जो है जेस सिक्योरिटीज भी बहुत अच्छा करने वाला है, और इसका प्रॉफिट जेस बैंक को मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए हर तरीके से जो जेस बैंक है हर वर्टिकल को आगे बढ़ाने की ट्राई कर रहा है, जेस सिक्योरिटीज हो, जेस बैंक हो, चाहे इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस हो, चाहे रिटेल बिजनेस हो, चाहे लोन्स हो, किसी भी तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब देखिए AMFI न्यू लिस्ट टू हैव ग्लैंड फार्मा जेस बैंक, यहाँ देख सकते हैं जेस बैंक एंड 3 अदर्स इन लार्ज कैप। अब यहाँ देख सकते हैं AMFI इज वेरी लाइकली टू कम अप विद द न्यू लिस्ट ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स इन जनवरी फर्स्ट वीक, एंड एज पर द बिलीफ ऑफ ब्रोकरेज फर्म एडलवाइस सिक्योरिटीज स्टॉक डेट में मूव फ्रॉम मिड कैप स्पेस टू लार्ज कैप कैटेगरी इंक्लूड ग्लैंड फार्मा जेस बैंक। यहाँ जेस बैंक का नाम है आप क्लियरली देख सकते हैं, और जनवरी के फर्स्ट वीक में ये लिस्ट आ सकती है AMFI की, जिसके अंदर जेस बैंक को मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स का जो टारगेट है, क्योंकि यही सबसे अंडर वैल्यूड इस टाइम जो लार्ज कैप होगा यही सबसे अंडर वैल्यूड है, इसलिए इसे अभी 17-17.5 के प्राइस पे रखा भी जा रहा है, ताकि जब ये लिस्ट अनाउंस हो तो म्यूचुअल फंड इसे 17-17.5 के आसपास अकोमोडेट कर सके, और अभी भी वो अकोमोडेट कर रहे होंगे इसे। आप देखिए आगे जेस बैंक पार्टनर्स विद सेल्स फोर्स टू एक्सेलरेट रिटेल ग्रोथ टू इन्हेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। ये बहुत ही अच्छा डिजिटल इनका डिसीजन है अपने रिटेल लोन्स को बढ़ाने के लिए। जेस बैंक ऑन December 23 अनाउंसेज ए कोलैबोरेशन विद सेल्सफोर्स टू बिल्ड ए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू पावर द रिटेल बिल्डिंग बिजनेस इन लाइन विद द बैंक स्ट्रेटजी टू फर्दर स्केल अप इट्स रिटेल एसेट्स पोर्टफोलियो। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा मूव है। जेस बैंक इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू मूव टू सेल्सफोर्स फॉर लोन ओरिएंटेशन एंड प्रोसेसिंग। पहला बैंक है जिस टाइप जिसने ये कदम उठाया है, और इनको ये कदम उठाने पड़ रहे हैं, और क्योंकि इनको आगे ग्रो करना है। सेल्स फोर्स से क्या है कि इनको काफ़ी लीड्स मिल सकती हैं, जो रिटेल लोन्स लेते हैं वहाँ पे क्वेरीज काफ़ी आ सकती हैं, जिसको ये आगे बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं पूरे को। द कोलैबोरेशन एम टू एंगेज कस्टमर्स विद द यूनिफाइड एक्सपीरियंस एंड ड्राइव एग्रेसिव रिटेल लीड ग्रोथ फॉर द बैंक। सॉफ्टवेयर इज ए ग्लोबल लीडर इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं एज पर द प्रेस रिलीज द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेल्सफोर्स लोन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉर रिटेल बैंकिंग विल बी इनेबल्ड टू बैंक टू प्रोवाइड पर्सनलाइज सॉल्यूशन एंड कनेक्टेड बैंकिंग एक्सपीरियंसेस फॉर कंज्यूमर्स अक्रॉस सेगमेंट्स। ये काफ़ी अच्छा इनका जो है स्टेप बताया जा रहा है। द प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो इन्हेंस कोलोबरेशन इनोवेशन विद इन द बैंक provided the bank's employees from relationship manager to loan disbursement officer and risk managers। तो ये
जो टाइप है आप देख सकते हैं नीचे, ये टाइप हो चुका है, और सेल्स फोर्स की आप देख सकते हैं, और जेस बैंक, इससे आने वाले टाइम में जो लोन्स की ग्रोथ है वो काफ़ी इंक्रीज हो सकती है। द कोलैबोरेशन एम टू इंगेज कस्टमर्स विद ए यूनिफाइड एक्सपीरियंस एंड ड्राइव एग्रेसिव रिटेल लेड ग्रोथ फॉर जेस बैंक। काफ़ी इनसे लोन्स, जो रिटेल लोन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं बैंक को। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये न्यूज़ जो है काफ़ी अच्छी है, जो इंटेंशंस हैं अच्छे हैं। मिड कैप से लार्ज कैप में जाएगा तो मिड जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो काफ़ी इससे एकोमोडेट कर सकते हैं। जैस सिक्योरिटीज के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, और पहले क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर भी फोकस किया जा रहा था। ये बैंक के जो MD है, CEO हैं, उनका बिल्कुल क्लियर कहना है जो बैड लोन्स का 50% है वो कवर कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स किस टाइप से नीचे जैसे ही स्टॉक आता है रिकवर होता है और नीचे कमुलेट किया जा रहा है, आप इसको भी क्लियरली देख सकते हैं। जो बिड क्वांटिटी है 2,95,00,000 की है, यह 2,76,00,000 के आसपास ही है। मोस्टली आप देखेंगे कि शेयर्स में उल्टा दिखाई देता है, बट यहाँ पे कमुलेशन धीरे धीरे हो रहा है, बिल्कुल स्लो स्लो हो रहा है। स्टॉक को इस प्राइस पे रोका जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई अनाउंसमेंट आएगी, बड़ी अनाउंसमेंट आएगी, तो फंड हाउसेज इसके अंदर बड़ा चंक उठा सकते हैं, क्योंकि यही जो है लार्ज कैप होगा जो सबसे आपको सस्ते में मिल रहा होगा, जो बैंक होगा सबसे सस्ते में मिल रहा होगा। तो आप देख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में से लगा सकते हैं, धीरे धीरे कमुलेट कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।